और वहीं कनाडा में एक सिख युवक को उस वक्त नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा जब टिग्निश शहर के रॉयल कैनेडियन लेजियन क्लब में बिलियर्ड खेलने गए जसविंदर सिंह धालीवाल को एक महिला ने पगड़ी उतारने को कहा। साथ ही जसविंदर पर नस्लीय टिप्पणी भी की गई। इस बीच घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें महिला और क्लब का एक सहायक धालीवाल की पगड़ी उतारने की धमकी तक दे रहा है। क्लब को सीना से सेवानिवृत्त हो चुके सदस्यों ने बनाया है। क्लब के नियमों के मुताबिक सिर पर किसी तरह की टोपी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सैनिकों के सम्मान के लिए किया गया है। हालांकि धार्मिक मान्यता के तहत पहनी गई टोपी या कपड़े प्रतिबंधित नहीं है, इसके बावजूद जसविंदर सिंह के साथ अमर्यादित और धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने वाला सलूक किया गया है। लेजियन क्लब के अध्यक्ष स्टीफन गैलांट ने कहा है कि वो इस घटना पर जसविंदर सिंह धालीवाल से माफी मांगेंगे। लोगों में धार्मिक परिधान को लेकर संदेह होने की वजह से ये घटना हुई है। हमारे सदस्यों ने घटना में शामिल लोगों से मिलकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं इस मामले पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि दुनिया भर में रह रहे सिखों के साथ जो नस्लीय हमले हो रहे हैं उस पर एसजीपीसी को काम करना चाहिए और पूरे संसार को बताना चाहिए कि सिख एक अलग धर्म और उनकी एक अलग से पहचान है। गवर्नमेंट का रोल इन्होंने धार्मिक मसलों च एक बड़ा लिमिटेड जहा रोल है जिदे अगर कोई वाकई कित लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बाहर वाले मुल्क च अमेरिका या कैनेडा कित भी तो गवर्नमेंट लैवल से उन्होंने टेकअप सरकार कर सकती है पर लोगों के उत्थे भी साडा सिख धर्म जिहड़ा लोगों को शांति अमन तो भाईचारे की सांझ की जिहड़ी गल करता है मैसेज पहुँचाना मैं समझदा भी एसजीपीसी की जिम्मेवारी है लोगों को उत्थे जाणू करावे भी साढ़े दे दूजे होर लोगों के जोड़े है उन्होंने जो की फर्क है साढ़े सिख गुरु साहबान ने पूरे मुल सारे देश दुनिया वास्ते की संदेश दिता है प्यार भाईचारे दिता है उन्होंने लैके जा मैं समझदा इस किस्म दी जी घटनावां है यह घटनगियां।